हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, ये है शाम की वीडियो ना। तो यहाँ पे भैया ले आए थे सब्जी, सब शाम मतलब शाम को यहाँ सब्जी लगती है मार्केट से ना, तो सब्जी सब ले आए थे भैया। तो बस मैं वही सब निकाल रही थी सब्जी, क्योंकि मैं सोची सारा सब्जी धुल के रख दूँ, क्योंकि इतने समय ना मुझे खाना, जैसे भैया कहें कि बस खूब मस्त खिचड़ी बनाने, क्योंकि मेरे हाथ की खिचड़ी अच्छी बनती है। तो भैया कहें ना कि बस वही खिचड़ी भर बनाने के लिए, क्योंकि जब भैया शाम को मार्केट से आए थे ना, थोड़ा लाई नमकीन ये सब बना के उनको दे दी थी, तो वो खा लिए थे। तो फिर बस हल्का भोजन कहे हैं, और ये भी ना कहीं मतलब नाश्ता वास्ता करके आएंगे, तो इन्हें भी बस खिचड़ी ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सारा सब अच्छे से सब्जी करने के बाद ना, तो मैं सारा सब्जी धुल के रख दे रही थी। जैसे इतने समय सब्जी धुल के रख देती हूँ ना, तो सुबह तक पूरा इसका पानी सूखा रहता, तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जो ये कैरी बैग नहीं, कपड़ों वाला कैरी बैग आता है ना, तो उसी में मैं करके रख देती, तो उसमें रखने से सब्जी ना काफ़ी फ्रेश रहती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो बस वही देखिए, यहाँ पे सब धुल के रख ले रही थी। और ये मूली में ना इतनी पत्ती हो जाती है ना, तो मुझे लगा कि पूरा इसकी पत्ती निकाल दूँ, क्योंकि इस समय ना इसकी भुजिया अच्छी नहीं आएगी। जब हम जो ताज़ा वाली मूली होती है तुरंत जो खेत से निकाले रहते ना, तो उसकी अगर भुजिया बनाओ तो उसकी भुजिया ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैं धुल रही थी सारा सब्जी, और अभी देखना ना भैया आएंगे तो क्या कहते हैं मूली के लिए, क्योंकि ना भैया कह रहे थे उसका सलाद बनाने के लिए। और आज आप लोग भी मेरे भैया को देखेंगे, ज़्यादा तो नहीं बस थोड़ा समय ली थी। और ये भी ना उन्हें पता नहीं था, क्योंकि मैं चोरी से वीडियो बनाती हूँ। अभी देखना आप लोग। आज तो मेरी चोरी पकड़ते पकड़ते रह गई, क्योंकि ना मैं अभी घर में बस मम्मी लोग को पता है, बाकी मैं किसी से भी नहीं बनाई हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। मैं सोची ना थोड़ी जब मुझे सफलता मिल जाएगी तब मैं सबको बताऊँगी। तो भैया अचानक, क्योंकि भैया हमेशा आगे वाले कमरा में ही रहती, जल्दी नहीं आते हैं, तो मुझे लगा कि भैया नहीं आएंगे, लेकिन ना भैया अचानक से आ गए। तो अपना मोबाइल वॉशिंग मशीन पर रखी थी, भैया की नज़र नहीं गई, और वही भैया कह रहे थे सलाद बनाने के लिए। तो मुझे ना बहुत डर लग, कहीं पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं। वैसे खैर कहेंगे तो नहीं कुछ, लेकिन ना फिर भी मन में डर बना रहता है। मैं तो सोची कि आज तो चोरी मेरी पकड़ी गई, क्योंकि ना अभी मैं सच में वास्तव में आप लोग से बता रही हूँ, मैं अभी किसी से भी अपने बस यहाँ पे जैसे मम्मी को, इन्हें और मेरे बच्चों को पता है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, बाकी किसी को भी नहीं पता। और हाँ, बड़ी वाली भाभी को भी पता है, क्योंकि वो भी अक्सर देखती कि मेरा मोबाइल वोबाइल ऑन रहता है ना। लेकिन अभी बाकी भैया लोग के मैं मना करी हूँ भाभी से कि अभी भैया लोग से मत बताना। तो बस वही, और उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी, क्योंकि ना मुझे तेल लगाए 2-3 दिन हो गए थे। अपने यहाँ जब गई थी बाल धुली थी ना, तभी का तेल नहीं लगाई थी, तो मैं सबसे पहले बालों में तेल लगा के चोटी कर ली थी, क्योंकि बिना तेल लगाए ना मेरे से रहा नहीं जाता। और मैं तेल लगाने में कोई भी कंजूसी नहीं करती, मैं तेल बहुत लगाती हूँ अपने बालों में। और उसके बाद फिर देखिए मैं थोड़ा सा बैठ गई थी मोबाइल लेके, और फिर चलूँगी ना अभी मैं खिचड़ी भर बनाऊँगी। और एक बहुत एक मेरे सब्सक्राइबर थे, तो पूछे हैं कि दी आपके कितने भाई हैं? तो मेरे ना 3 भाई हैं, हम 5 हैं, मतलब हम 2 बहन हैं और 3 भाई हैं मेरे। सबसे बड़ी तो मैं हूँ, और फिर मेरे बाद मेरी बहन है सोनू, और उसके बाद है फिर जीतू, यानी कि जिसे अभी बेबी हुआ है, उसके बाद है सचिन, और फिर मनीष। मनीष सबसे छोटा है, और सबसे बड़ी मैं हूँ। तो अभी जिसमें से मेरी एक भाई की शादी हो गई है, बहन की भी शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई, बस 2 भाई हैं सचिन और मनीष। अब देखिए कब उनकी सबकी भी शादी होती है। तो यहाँ पे मतलब सब्सक्राइबर पूछे थे, तो इसलिए मैं बता दी थी। और उसके बाद फिर देखिए, यह है सुबह की वीडियो। तो सुबह में एक बार बच्चों लोग को नाश्ता वास्ता सब दे दी थी, घर का सारा काम भी हो गया था। तो यहाँ पर मैं आलू उबाल दी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाना बनाऊँ और क्या नहीं। तो फिर मुझे लगा कि चलो मटर है, आलू मटर की सब्जी बना देती हूँ। तो बस इसीलिए मैं आलू उबाल, क्योंकि ठंडी में ना आजकल आलू उबाल के सब्जी ज़्यादा अच्छी आती और बच्चों से पसंद भी करते हैं। तो बस मैं वही इसीलिए आलू उबाल दी थी। और फिर यहाँ पे देखिए चाय रख दी। तो यहाँ पे ना मम्मी को मन था बजड़ी की रोटी खाने का,
तो बस देखिए मम्मी वही झटकी थी, मतलब अच्छे से सूप में उसे झटक दी थी बजड़ी को। और अभी मैं चलूँगी ना इसे मिक्सी में पीस लूँगी। अब जब इस बार गेहूँ जाएगा चक्की पे तो फिर देखूँगी अगर क्योंकि ना बजड़ी का आटा हमारे यहाँ ज़्यादा, क्योंकि इसकी रोटी ना रोज़ रोज़ नहीं अच्छी आती, दूसरे तीसरे दिन अच्छी लगती है रोटी। और जैसे इसका आटा घर का होता है ना पिसा के रख दो ना बहुत जल्दी तीखापन, मतलब जैसे अक्तित नहीं होता जैसे, अरे नीम की पत्ती हो जाती है उस तरफ ना बहुत जल्दी अक्तित आने लगता है इसका आटा, तो जिस वजह से ना हम लोग पिसा के नहीं रखते हैं। तो वहाँ पर ना मैं किचन का सारा काम मतलब करने के बाद उस सब्जी को छौंक दी थी। और फिर देखिए मैं आ गई थी मशीन में कपड़ा लगाने के लिए, क्योंकि कपड़ा भी हो गया था और फिर मैं चल रही से कपड़ा लगा दूंगी मशीन में। और सच में ना कल शाम को मैं बहुत डर गई थी जब भैया अचानक से आ गए ना, मैं सब्जी धुलने बैठी थी और आप लोग देखे ना उस समय मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। और मैं जल्दी से जब भैया बाथरूम में चले गए ना, मैं जल्दी से प्रिंसी को बुला के मैं कही तुरंत वहाँ से मोबाइल हटा दो, प्रिंसी तुरंत वहाँ से मोबाइल हटा दी थी। और फिर यहाँ पे देखिए आप लोग से कही ना कि मम्मी को बजरी की रोटी मन था, तो आज का ना पता नहीं आटा मैं पीसी ना मिक्सी में तो थोड़ा दरदरा रह गया था, जिस वजह से आज की रोटी मेरी टूट रही थी, जो कि मैं अच्छे से पीसी थी और बारीक वाली चलनी से चाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों ना आज की रोटी टूट रही थी। फिर भी बस देखिए यहाँ पे दो तीन रोटी बना दी हूँ। और भैया गए हैं जो उनको हल्का सा पैर में चल रहे थे थोड़ा वैसे ना, तो उसी की गए हैं दवा लेने। और फिर वहाँ से आएंगे तो भैया और भाभी फिर तुरंत चले जाएंगे रेणु सागर। तो यह है करीब शाम का वीडियो। तो देखिए सारा कपड़ा उपड़ा धुलने के बाद फिर मैं लेती भी आई थी। और भैया भाभी उस समय ना मैं वीडियो आप लोग से बताई ना कि मैं किसी के सामने नहीं बनाती हूँ, तो भैया भाभी आए तो फिर वो सब भी चले गए थे रेणु सागर। और कहा जाता है हमारे यहाँ पे शादी ब्याह दिया जाता है। और ये देखिए मठ है, ये बहुत टेस्टी आता है खाने में, आपको कोई पता होगा इसे मठ कहते हैं। और दो लड्डू है, ये किसी के यहाँ से आया था, ये देखिए इतने बड़े बड़े हैं। लीजिए आप लोग भी खा लीजिए लड्डू और ये मठ। अब शाम का समय हो गया, चल मैं अभी खाना पीना देखूं क्या बनता, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खाना बनाओ। दिन में तो बना दी थी आलू टमाटर सब्जी चावल रोटी बना दी थी, देखते समय कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। देखो मम्मी आती तो मम्मी से पूछूं फिर चलूंगी खाना बनाऊंगी। बाकी तो आज दिन में मैं ज्यादा ब्लॉक नहीं बनाई थी क्योंकि ना पता नहीं कि आज मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।